Hey everyone, hope you all are well and safe. It's Mishu here and welcome back to my channel or welcome to my channel. तो आज का वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया है. Yes, DIY नेल ग्लू बनाने वाली हूँ मैं. ये जो नेल ग्लू है ये बहुत ही अलग तरीका है जो मैं यूज करती हूँ और मैंने सोचा ये जो है ये अब तक का सबसे बेस्ट वे है क्योंकि ये मेरे को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगता है. मैंने इससे पहले भी बताया था कि आप नेल ग्लू कैसे बना सकते हैं पर कोई एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया था DIY नेल ग्लू पे. वो एक था कि हाँ मैं डायरेक्ट आपको बता देती थी कि मैं ये करके यूज करती हूँ, पर मैंने प्रोसेस बताया और ये थोड़ा अलग भी है. जो मैं पहले यूज करती थी उससे काफी ज्यादा अलग है. मेरे को आप लोग काफी ज्यादा टाइम से कह रहे थे कि आप एक DIY नेल ग्लू पे वीडियो बना दो, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और शेयर कर देना. चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब के साइड पे यहाँ पे बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए. तो अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंटेनर ले लूँगी. यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. मैं छोटा ही ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत हमें है नहीं. अब इसके अंदर जाएगा फेविकॉल. यहाँ पे मैं ये फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट ग्लू यूज़ कर सकते हो. और अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ रोज़ वाटर. तो आपके पास जो भी रोज़ वाटर हो आप यूज़ कर सकते हैं. 2 से 3 ड्रॉप लेनी है बस. इन दोनों को साथ में लेने के बाद अब मैं करूँगी मिक्स. तो मिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं अपने डॉटिंग टूल का यूज़ कर रही हूँ. ये स्मॉल वाला है. आपके पास ये नहीं है आप टूथपिक यूज़ कर सकते हो इसकी जगह. तो आपने अगर पहले भी वीडियो देखी होंगी तो मैं ये मिक्स नहीं करती थी रोज़ वाटर, पर अब मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बाद में जब हम ग्लू बनाते हैं ना तो वो एकदम हार्ड हार्ड सा बनता है और वो अप्लाई करने में काफ़ी हार्ड होता है. और अब जो मैं लेने वाली हूँ वो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी टॉप कोट यूज़ कर सकते हो, पर बेस कोट मत यूज़ करना. जब भी आप ये ग्लू बना रहे हो एक चीज़ का ध्यान हमेशा याद रखना, वो ये कि जितना आपने ग्लू लिया हो उतनी ही आपको क्वांटिटी अपनी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश की भी रखनी है. अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए.